Yes, good afternoon all. Exercise 6.2, question number 2, Pythagorean tablet we find here. So that this is a part of third of that 16. So first just write the solution. After solution, मुझे तीन parts भी same हुए concentrate करना है 2m, m square minus 1, m square plus 1. अब मुझे तीन पार्ट्स पे करना है, लेकिन मुझे सबसे पहले स्टेप वन में ये पता लगाना है कि ये कोई इंटीजर तो नहीं है, एम की वैल्यू इंटीजर के इक्वल नहीं है. तो यहाँ लिखूंगी टू फॉर्म, टू फॉर्म पाइथागोरियन टैबलेट्स. फर्स्ट मुझे यहाँ इफ वी टेक एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 16, ये जो 16 की वैल्यू है इक्वल्स टू में रखती हूँ, तो एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 1, इट मीन 17. सो एम स्क्वायर हो जाएगा 17 के इक्वल, तो ये कोई इंटीजर नहीं है. सेकंड है इफ वी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 16, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इक्वल्स टू 15, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 15, दिस इज नॉट एन इंटीजर. अब हमें करना क्या है, दोनों इंटीजर नहीं है तो इसकी हमें वैल्यू लिखनी है. हियर एम इज नॉट एन इंटीजर. ओके, सो स्टेप सेकंड यूज़ करना है मुझे. तो इसमें 2m इक्वल्स टू मुझे वैल्यू रखनी है, तो 2m की वैल्यू m फाइंड करना है. 2m इक्वल्स टू क्या लगाना है, 16, तो m हो जाएगा 16 अपॉन 2 मीन्स 8. सो m की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली यहाँ 8. ओके, स्टेप सेकंड में मुझे m स्क्वायर माइनस 1, m की प्लेस पर मुझे लगाना है 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, दैट मीन्स 63. तो पहला नंबर आ गया मेरे पास. अब थर्ड मुझे करना है m स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू लगानी है मुझे 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 इक्वल्स टू 65. तो ये दो वैल्यू आ गई. सो पहला नंबर था मेरे पास 16, दूसरा नंबर आया 63, थर्ड नंबर आ गया 65. तो ये मेरा आंसर है. तो यू जस्ट डू दिस वन कंप्लीट पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके,